भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा बहुत, भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या नाम है, रामलला के दर्शन के साथ साथ हम कौन सा मंदिर था वो जिसमें हम गए थे, जिसमें है हनुमानगढ़ी, वहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ थी, उस भयंकर वो उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारिक दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ही ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा, तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबंध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। मैम आपको भंडारा कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सफाई भी बहुत है, कहते हैं नीचे ना बैठो ऊपर बैठो टेबल पे, और अगर एक दाना भी गिरता है ना तो तुरंत उठाने के लिए आते हैं। खाओ मन भर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा।